गाइज वेलकम टू माई चैनल स्टडी एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी हैव BPCS 185 डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये होगा 50 मार्क्स का आपका, इसका जो मार्क्स है और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो आपकी 2 आवर्स। ठीक है, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, लेंथ भी इसकी काफ़ी कम है, तो आपका ये ईजिली हो जाएगा। अब हमारे पास है ब्लॉक 1 यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, क्वेश्चन नंबर 2 कॉम्पोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ बिहेवियर, क्वेश्चन नंबर 3 रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस थिंकिंग एंड बिहेवियर, एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशंस डिफाइन फीलिंग्स एंड मूड्स। जितना पॉसिबल हो सके यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि 3 to 4 लाइन के आप पॉइंट्स बनाते जाइए और उसमें लिखते जाइए, वो आपका आंसर को अच्छी तरह से दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। और उसमें क्या होता है ना, टीचर्स भी अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं और वो आपको जितना आपने लिखा है सही मार्क्स देते हैं। नहीं तो कभी कभार टीचर ऐसे करते हैं, आप पूरा साइकोलॉजी में पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं ना, तो कभी कभी टीचर भी उनको बिना पढ़े ऐसे जैसे तैसे अपने मन से मार्क्स दे देते हैं। तो जितना आपने लिखा है एटलीस्ट आपके उसको आप उस चीज़ के आपके मार्क्स मिले, इसलिए आप उसको पॉइंट्स में लिखना मतलब शुरू कर दें। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस EI, क्वेश्चन नंबर 5 कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, देन वी हैव ब्लॉक नंबर 2 व्हाट आर द इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द इमोशनल कॉम्पिटेंसीज, क्वेश्चन नंबर 7 द इमोशनल कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सप्लेन हाउ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैन हेल्प इन डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस, देन वी हैव ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 इमोशंस एंड सेल्फ कंट्रोल, क्वेश्चन नंबर 9 स्ट्रैटेजीज टू डेवलप एसेसिनिटीज एंड इट्स रोल कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 है स्ट्रैटेजीज टू डेवलप एसेसिनिटीज और उसके रोल। फिर आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में हमारे पास एक क्वेश्चन है इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स, इसमें आपका 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, ये आपका मेनली उसमें आएगा शॉर्ट नोटिस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है मीनिंग ऑफ सेल्फ रिगार्ड एंड स्ट्रैटेजीज टू डेवलप सेल्फ रिगार्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वी हैव डेवलपिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजिंग स्किल्स। तो ये आपके सारे इसमें क्वेश्चंस हो गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इजी टॉपिक्स हैं, आप इजीली इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और ये सब्जेक्ट भी इजी है, तो आप ये क्वेश्चंस करिए और आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके गाइज, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।